बार भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान की धरती में भारत के खेले जाने वाले मैच T20 को लेकर किया खूब कहा है। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान में भारतीय टीम को खेलने से किया है मना। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के साए में टीम इंडिया नहीं खेलेगा कोई भी मैच। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये बयान दिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से हुई आज बातचीत में ये जानकारी दी। टीम इंडिया के क्रिकेटर्स की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीय टीम के एशिया कप में जाने के बारे में फैसला गृह मंत्रालय करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान में 2023 एशिया कप के भाग लेने के बारे में फैसला गृह मंत्रालय करेगा। एशिया क्रिकेट परिषद SCC के अध्यक्ष और भारतीय बोर्ड के सचिव जय शाह ने कल कहा था कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी और आपको बता दें कि इस वेन्यू में टूर्नामेंट खेलेगी। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जताया था कि ऐसा होने पर 2023 में भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी पर असर पड़ सकता है, बहिष्कार करेंगे पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के पाकिस्तानी दौरे के बाद ही सुरक्षा को लेकर आशंकाएं जताई गई है। ठाकुर ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत की स्थिति में काफी ज्यादा फर्क है। अगले साल एशिया कप के बाद भारत में 50 ओवरों का वर्ल्ड कप खेला जाना है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई कर रही है सभी टीमों को न्योता दिया जाएगा। भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि किसी की चुनौती के किसी के पास सुनाने का कोई कारण नहीं है। हम सभी का स्वागत करेंगे और उम्मीद है कि सभी भारत भी खेलने आएंगे।